ये किसने वाले को Battle Battle सब लोग कहाँ पे फैक्ट्री के छत पे फैक्ट्री के छत के ऊपर लैंडिंग सही हो जाए बस वही तो टेंशन है मेरा

मजा आएगा ना भिड़ो तो हेलो गाइस कैसे हो सभी लोग आज का वीडियो में सभी को स्वागत है आज का वीडियो बहुत ही फनी होने वाला है पहली बार कुछ नया वीडियो ट्राई कर रहे हैं इस पर बहुत मज़ा आने वाला है आप लोग हंस हंस के पागल हो जाओगे तो इस वाले वीडियो में होने वाला है 25 एडम वर्सेज बी टी पिंग बंडल का फाइट तो यार फैक्ट्री के छत के ऊपर सारे बंदे उतरेंगे सारे एडम और सबको कारना है पंच ओनली पंच और पिंक बाला बीटीएस बंडल पूरा फैक्ट्री के छत के ऊपर दौड़म दौड़ाई करेंगे उसको जो सबसे पहले मारेगा उसको जो चाहिए मन पसंदीदा डायमंड्स जितना मर्जी डायमंड्स जो बंडल्स जो भी चाहिए उसको सब किमें किया जाएगा जो चाहिए उसको एक चीज़ ऐसा नहीं बहुत सारी चीज़ एक चीज उसको दिया जाएगा और इस वाले वीडियो पे हम लोग साथ बना रहे त्रिमूर्ति गेमिंग के साथ तो इस वाले वीडियो में देख पा रहे हो छत के ऊपर सारे एडम चच्चा उतर चुके हैं और पिंक वाले बीटीएस बंडल देखो नीचे चमकांडी दौड़े जा रहे हैं तो देखते हैं सबसे पहले कौन मारते हैं त्रिमूर्ति को और किसको मिलता है मनचाहा गिफ्ट तो यार सारे बंदे फर्स्ट फॉरवर में दौड़ जा रहे हैं इधर देखो पिंक बेटी बंडल और मैं पीछे से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मुझे नहीं मारने के लिए बोला गया है मत मार उधर टीम अप चल रहा है ओके मेरा दोस्त है ये तो सारे देखो एडम चच्चा उसके पीछे पड़े हैं और कौन सबसे पहले पंच मार के उसको मारेगा और कौन जीतेगा आज कल लके दिन का इतना अच्छा गिफ्ट तो यार सारे बंदे उसके पीछे पड़ चुके हैं भाई एक दूसरे पर भी मुक्का चलाए जा रहे हैं और देखो कितना मछला मछलाई फर्स्ट मैंने पूरा फर्स्ट दौड़े जा रहे हैं सब लोग मूवमेंट स्पीड बढ़ा दिया गया है तो सब लोग बहुत फास्ट फास्ट दौड़ रहे हैं और देखो एडम मुक्का मार रहे हैं और भाई इसको जो भी मारेगा जो भी पहला जो भी बंदा एक ही बंदे को रिडीम मिलेगा जो चाहिए उसको सब मिलेगा तो कौन सा बंदा इसको मारेगा वो है देखना तो सारे बंदे के बीच में छुट चुका है जंग सारे एडम मारने का कोशिश कर रहा है पिंक बीटीएस बंडल को जो बंडल किसी को पसंद ही नहीं है पिंक बीटीएस बंडल को मारने के लिए पूरा कोशिश और मैं थोड़ा सा बैठ रही थी भाई मुझे भी आके बंदा मारने का कोशिश कर रहा है मतलब कोई बात ही नहीं सुन रहा अभी मैं मरते मरते बचा मेरा आधा एच पी डाउन कर दिया मुक्का मार मार के और कोई चमकांडी से बंदे भाई लूअल लगा रहे हैं मतलब दिमाग खराब कर रहे हैं भाई ग्लूवल क्यों रंगाना गेम के बीच में इतना मज़ेदार कस्टम बनाए थे पर यार कस्टम में मज़ा तब तो आएगा जब पी टी एस पिंक बंडल को मारा जाएगा बट कोई मार ही नहीं पा रहे वो इतना फास्ट दौड़ रहे इतना फास्ट दौड़ रहे कोई भी मारने पड़े सबका सेम दिया गया है मूवमेंट स्पीड बट यार वो जैसे ज़्यादा ही जल्दी दौड़ रहे पिंक पी टी एस बंडल का ज़्यादा ही ओवर पावर हो गया है ऐसा लग रहा है और मैं दूर से देख खड़े होके देख रही थी पूरा नजारा और मैं देख रही हूं आगे से एक बंदा आया और भाई मुझे मारना चालू किया no, मैं दूसरा फ़ोन से no, देखने की कोशिश कर रही थी क्योंकि no. मैंने कस्टम बनाया था तो मैं सोच रही थी दूसरा आईडी से मैं इसको देखूंगी पूरा बट यार मुझे ही जड़ दिया दो मुक्का अब मेरा एज पे तो देखो यार मतलब मेरे पीछे भी पड़ गए मतलब कोई भी बंदा खड़ा हो जाए तो उसको मार देंगे देखो एलआइट पे देखो ट्वेंटी फोर बंदे अभी भी बचे हुए हैं सत्ताईस बंदे टोटल गेम में आए थे और अभी ट्वेंटी फाइव बंदे बचे और कुछ कुछ बंदे तो रूल्स नहीं मान रहे हैं गन उठा रहे हैं और गन उठा के बंदे मार रहे जो कि नीचे उतरे हैं जो लोग सबको बोला गया था फैक्ट्री के छत के ऊपर कूदो और फाइट करो पीछे से जोन नाते हुए जो कि बहुत बुरी बात है उसके बाद मैंने दूसरा फोन से देखना चालू किया पिंक बेटी बंडल को और साथ ही साथ एक बार उसका भी एचपी हो चुका है बहुत ही कम और मैं को मार दिया गया था पता है मैं उतरी और नीचे बंदा गन लेके खड़ा था और मुझे उड़ा दिया बिल्कुल उतरी और मर गई मैं बहुत बुरा लगा यार मतलब क्या ही बोलूं बंदे लोग बात नहीं सुनते इतना मज़ेदार कस्टम मतलब आपको जो चाहिए वो मिलेगा बस आपको पिंक बेटी बंडल को मारना है जिस पे यार बंदे लोग बातें नहीं सुनते हैं यार मैं सोची बड़े बड़े यूट्यूबर कैसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो सब लोग उनका बातें सुनते हैं इधर तो कोई बातें नहीं सुन रहे थे हम लोग टर्नी पे बात कर रहे थे साथ में त्रिमूर्ति और उनका सारा सब्सक्राइबर तो सब लोग साथ में हम लोग वीडियोज़ बना रहे थे उसके बाद पीछे से आया जोन कस्टम मैने क्रिएट किया था पीछे से जोन आ रहा था और भाई आधा इंच पे गया हुआ है नो हिलिंग्स कैरेक्टर स्किल्स एक्टिव नहीं है तो यार अब त्रिमूर्ति को जाना पड़ेगा जोन और पता है फॉल डैमेज लगाया गया है मतलब अगर इधर से नीचे कूदे तो मरोगे तो पूरा मरोगे तो भाई क्या ही डैमेज लेते हुए फॉल डैमेज नो करना चाहिए था और भी बहुत सारे कस्टम में बहुत सारे गड़बड़ी हो गया इस कस्टम को सही से क्रिएट करना चाहिए था इसके बाद मैंने फर्स्ट फॉर्ड कर दिया बहुत ही जल्दी वीडियोस चल रहा था मैंने फर्स्ट फॉरवर्ड कर दिया तो गेम में पूरा गेम में इसको कौन मारेगा अभी वो देखना है फैक्ट्री के छत के ऊपर तो जोन आ गया तो अभी जोन से तो जाना पड़ेगा नहीं तो मर जाएंगे भाई अभी तक कोई भी इसको मार नहीं पाया बस डैमेज दे पाया मतलब मुक्का से कोई भी अगर हेड जड़ देता ना तो हो जाता बट फर्स्ट फॉरवर मतलब फर्स्ट 200 का स्पीड होने की वजह से कोई भी बंदा इसको मार नहीं पाया और देख रहे हो अभी भी किसी ने इसको मारा नहीं है दौड़े जा रहा है दौड़े जा रहा है पता नहीं कहाँ जाना है हीलिंग्स वगैरह बेचारे के पास है नहीं आगे घरों पे जाके शायद लूटेंगे मैंने बहुत फर्स्ट कर दिया यार क्योंकि यार बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था इसीलिए फर्स्ट तो यार अब क्या लगता है आप लोगों को कौन जीतेगा कौन सा बंदा भाई इतना अच्छा लकी मौका यार कैसे कमा रहे हो इसको मारो जल्दी से यार खोपड़ी थोड़ो पिंक दी बंडल का यार इसकी तो ऐसी की तैसी इधर लूट रहा है कोई भी बंदा इसका पीछे नहीं है सब शायद रास्ता भटक गए यार इधर है असली बंदा वो पीछे पीछे आए सारे दो तीन बंदा अभी भी पीछे पड़े हुए यार बंडल चाहिए मतलब डायमंड्स चाहिए यार जो चाहिए सब मिलेगा अगर नया गन स्किन निकालना है वो भी जितना डायमंड जो भी चाहिए सब मिलेगा इतना अच्छा मौका हो भाई जोन से डैमेज ही डैमेज हीलिंग्स नहीं मिला बेचारे को बेचारा करे तो क्या करे गन है गन से मार दो यार किसी को तो मारो फैक्ट्री के छत के ऊपर उतर के इनको कैरेक्टर स्किल हमको ऑन रखना चाहिए था और साथ ही साथ क्या करना था ना इनको ना सबको मुक्का जड़ना चाहिए था मतलब बंदे कम होने चाहिए थे थोड़ा बंदे मारना चाहिए था तो इसके इस बार तो पहली बार ट्राई किया तो इस बार इतना अच्छा बना नहीं है पर इसके बाद वाले बार अच्छा और बनाएंगे ठीक है तो यार मज़ा तो बहुत आया इस कस्टम में मैं थी मुझे बहुत मज़ा आया पहली बार फैक्ट्री के छत के ऊपर इतने बंदे और सारे बंदे भाई कते ही टर्निप पे अगर तुम लोग रहते ना तो भाई बात सुन के तुम्हारा हालत ख़राब हो जाता हंस हंस के इतना हंसी हो रहा था ना इतना मज़ा आ रहा था क्या ही बोले तो गाइस अब देखना है इसको एक भी हीलिंग्स नहीं मिल रहा है बेचारे के पास हीलिंग्स है ही नहीं मतलब कोई भी घर में गन मिल रहा है पर हीलिंग्स नहीं मिल रहा है और पीछे से जोन आ रहा है तो इसको जोन भी जाना पड़ेगा और उसके साथ हीलिंग्स भी चाहिए अगर कोई भी बंदा आके एक हेडसॉर मुख कर जड़ दिया ना तो मर जाएगा पर यार बंदा मार ही नहीं पा रहा है क्योंकि बंदे भी तेज है और त्रिमूर्ति भी तेज़ है दोनों तेज है तो गाइस क्या एडम मार पाएगा पिंक बी बंडल को या और क्या ले पाएगा मन गिफ्ट बताओ कमेंट पे अभी कभी और नीचे गिर जाओगे भाई ब्रिज के ऊपर ना कूदो ओ भाई पीछे से जोन आ रहा है पीछे जाओ इधर बाकी एडम को देखो यार देखो देखो अभी अभी अभी, अभी जस्ट हेल्थ लेने की कोशिश कर रहा था उसको मारने गया देखो एडम वगैरह क्या कर रहे हैं कुछ कुछ एडम ना फाइट कर रहे हैं बंदा मारा मतलब कुछ बंदे ने ना गन उठा लिया है और देखो कोई लॉन्ड माइन लगा रहा है इसका भी हेल्थ कम है देखो त्रिमूर्ति के पीछे भक्त हुए एक बंदा यार तू मार सकता है मार मार खोपड़ी शॉर्ट यार बहुत कोशिश कर रहा है मुक्का मारने का बट नहीं हो पा रहा है बेचारा और इधर बाकी सारे एडम देखो इमोट बाजी चल रहा है ओ भाई मोट बाजी क्या बात है क्या बात है स्वेक और देखो लैंड लगा रहा है और ये वाला बंदा बहुत बंदा मारा है तो इधर बहुत सारे बंदे रूल्स तोड़े हैं, कन यूज करे भाई इसका एच पी देखो एक एच पी से भी कम पीछे से जोन आ रहा है अब भाई जल्दी जाओ जोन के बाहर जोन से मर जाओगे ओ भाई लॉल भाई जोन से ही मर गया किसी को रिडीम कोड ही नहीं मिला भाई ये तो कतई गजब पेज देती है तो क्या हो गया यार एक एक पंच से हो जाता तो गाइस नया कुछ ट्राई किया इस बार पर किसी को रिडीम कोड नहीं मिला तो इसके बाद पहले बार सेम वीडियोस बनाएंगे तो आप लोगों को करना है इस वाले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और देखते हैं इसके बाद कौन जीतेगा कौन सा एडम जीतेगा और अपना मन चाह गिफ्ट ले पाएगा और इधर सब लोग अपना अपना जान खुद दे रहे हैं लैंडमार्क लगा के तो कमेंट में बताओ वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करना और अगर अच्छा नहीं लगा तो बताना क्या प्रॉब्लम था और क्या चीज़ सही करना है एंड शेयर करके सब्सक्राइब करना है इस वीडियो के फैला दो यार शेयर करो